हेलो दोस्तों, आज हम बाथरूम में टंकी की फ़िटिंग करने वाले हैं और बाथरूम में टंकी की फ़िटिंग किस तरीके से करी जाती है ये भी हम आपको सब वीडियो में दिखाने वाले हैं और कैसे करी जाती है। ये हम पौन बाई आधे का जो FT सॉकेट हम ये लगा रहे हैं और ये FT सॉकेट हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारे यहाँ पर दो हमें नल के पौन छोड़ना है ये बाथरूम में, और इसलिए हमने ये FT सॉकेट हम लगा रहे हैं। यहाँ पर हमें एक पॉन्ड और ताज़े पानी का बनाना है और ये हमने जो पॉन्ड बनाया है ये हमारी वाटर टैंक की लाइन है और दूसरी वाली हमारी ताज़े पानी की लाइन है। और यहाँ पे हमने ये एक नल का पॉन्ड बना दिया है। अब हम दूसरा वाला नल का पॉन्ड बनाने वाले हैं और दूसरा वाला नल का पॉन्ड हम किस तरीके से बनाएंगे ये हम आपको सब वीडियो में दिखाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें जो 1.25 इंची की हमें एल्बो लगानी है प्लेन, उसके आगे हम ब्रास एल्बो लगाएंगे 1.25 बाई आधे की। और इसमें हमने जो सोल बैंड यूज़ किया है वो हमारा CPVC सोल बैंड है और इसमें हमारी एक सीट भी है, इंग्लिश सीट आएगी हमारी 1 पीस 9 इंची, और उसकी किस तरीके से फिटिंग करेंगे ये भी हम आपको वीडियो में दिखाने वाले हैं। और यहाँ पर हमने ये एल्बो हम यहाँ पे ये लगा रहे हैं और यहाँ पे हम ये एल्बो लगाने के बाद ब्रास एल्बो और लगाएंगे 1.25 की, और वो किस तरीके से लगाएंगे और कैसे लगाएंगे ये भी हम आपको वीडियो में दिखाने वाले हैं। और यहाँ पे हमने जो FT सॉकेट लगाया है वो हमने इसलिए लगाया है क्योंकि लाइन हमारी दीवार की पल्ली पार से खड़ी है और इसलिए हमने ये एक में FT सॉकेट लगा दिया है और दूसरे वाले में हमने ये प्लेन एल्बो लगा के अब हम यहाँ पे 1.25 की FT एल्बो यानी ब्रास एल्बो हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। और इसमें हमें जो सीट के पॉइंट जो हम बनाएंगे और कितने पॉइंट बनते हैं सीट के ये भी हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं और दिखाने वाले हैं, क्योंकि हमें एक सिस्टर्न का पॉइंट बनाना होता है और दूसरा वाला हमें जेट का पॉइंट बनाना होता है, और जो तीसरा वाला हम जो पॉइंट बनाएंगे वो हमारा हैंड पोशिश का आएगा, क्योंकि हैंड पोशिश का पॉइंट हम यू इस मारे बनाते हैं ताकि हम जेड भी चला लें और हैंड पॉशिश भी चला लें। और यहाँ पे हम ये ब्रास FT एल्बो हम ये लगा रहे हैं और ये FT एल्बो हम जो लगा रहे हैं और इसमें हमने जो पाइप यूज़ किया है वो हमारा CPVC पाइप है और सोल बैंड जो हमने यूज़ किया है वो भी हमारा CPVC सोल बैंड है। और जैसा कि दोस्तों आप वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर जो इनकी दूराई रखी जाती है वो हम इसको 6.5 इंची दूराई रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा दूराई रखने से हमारा जो मिक्सर लगाएंगे वो हमारा मिक्सर सेट नहीं होता है। और जैसा कि दोस्तों आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो में बने रहें, वीडियो एंड
बराबर। और बस ये बस सही है। ये इतनी दूर से ले रहे हैं, मैं तो पूरी आ रही है जी। काट ले 9:30 का। बोले गीजर का फोन दिया तुमने, गीजर कहाँ लगाया? छाटा हुआ गीजर लगाया भैया। नहीं चल रही है वीडियो, वीडियो करो भैया। लड़ने दिक्कत होती है अंदर ऐप्स में, जहाँ से डालते हो वहाँ बंद करो। तो क्या हो गया, पूरी आवाज़ तो दुनिया बंद करती है, तू अनोखी बंद कर रहा है। और तो नहीं गई तो उसमें जी वीडियो फेल हो जाएगी। तो यार कौन सा यूट्यूबर से मिल चुका है, मेरी बात समझ में नहीं आ रही है आजकल। सही है। और